गुजरात विधानसभा में पास हुआ यह बिल अगर कानून बनता है तो गुजरात देश का पहला राज्य होगा जहां स्थानीय चुनाव में वोटिंग कंपलसरी होगा। ये नया विचार जिन्होंने दिया है वो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ है। मोदी जी, क्या खास बात है, क्या सोच है इस नए विचार के पीछे जो विधानसभा में आपने रखा है? देश के लोकतंत्र को 60 साल होने जा रहे हैं। हम 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व पर भारत के संविधान के 60 साल की पूर्ति करने जा रहे हैं। क्या देश में हमने याद किया होगा, हर चुनाव के बाद एक डिबेट होती है कि मतदान कम क्यों हो रहा है। विश्व के कहीं समृद्ध लोकतंत्र देशों ने इसका रास्ता खोजा है। दुनिया के अनेक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले देश, इटली हो या ऑस्ट्रेलिया हो, सबने कंपलसरी वोटिंग किया है और नतीजा ये हुआ है कि सामान्य से सामान्य मानवी सरकार चुनने में सक्रिय हिस्सेदार बना है। आज हुआ ये है कि ज्यादातर मतदाता राजनीतिक विचारों से जो प्रभावित है वे ही मतदान में सक्रिय होते हैं। जो न्यूट्रल है, जिसके दिमाग में कोई राजनीतिक दल नहीं है, जिसके दिल दिमाग में सिर्फ देश है, वे वोटिंग के लिए सक्रिय नहीं होते हैं। भारत के भविष्य के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि न्यूट्रल मतदाता भी मतदान करने के लिए आगे आए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के मैंडेटरी सिस्टम से यह संभव होगा। दूसरी बात है, भारत में चुनावी खर्च कम करना, इसकी डिबेट सालों से हो रही है। मैंडेटरी वोटिंग से चुनावी खर्च कम होने की एक गारंटी बनती है। तीसरी बात है, देश के अर्थतंत्र को सबसे बड़ा खतरा काले धन का है और काले धन चुनाव के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। अगर काले धन से भी देश को बचाना है, देश के अर्थतंत्र पर से काले धन की छाया को कम करना है, तो उसका एक समृद्ध उपाय है भारत के मतदाताओं को मतदान के लिए कोई जिम्मेवारी के साथ जोड़ा जाए। मैं समझता हूं हम कई जगह पे डिसिप्लिन लाते हैं, जैसे घर के बाहर कूड़ा कचरा फेंकना है तो व्यवस्था है कि कूड़ा कचरा फेंकोगे आपको ये आपको कोई दंड होगा। अब ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। अगर आप बस में, ट्रेन में टिकट के बिना बैठते हो तो आपको कोई दंड होता है, ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है। उसी प्रकार से मतदान अगर करने में आप चूक जाते हो तो कुछ न कुछ ऐसे बंधन होने चाहिए जो उसको जिम्मेवारी का एहसास कराए। जैसे नई कार खरीदने जाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि लास्ट इलेक्शन में आपने वोट दिया था कि नहीं दिया था। आप अगर मोबाइल फोन रखते हो तो रिचार्ज करना है तो आपको कहना होगा कि मैंने पिछली बार वोट डाला था। अगर हम इस प्रकार की छोटी छोटी व्यवस्थाओं को विकसित करेंगे तो भारत का मतदाता इन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए तैयार है। हम सबको स्मरण है जब मुंबई में 26/11 होगा, देश का ड्राइंग रूम डिस्कशन करने वाला एक बहुत बड़ा तबका रास्ते पर आ गया, मोमबत्तियां लेकर के निकल पड़ा, लेकिन जब चुनाव आया तो वही घर में बैठ गया। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सेदार नहीं बनेंगे तो होगा क्या? और इसलिए मैं मानता हूं कि देश का खास करके युवा धन ये चाहता है कि भारत में सब लोग मतदान करें। तीसरी बात है कि हमारे यहां आज क्या होता है कि अगर मुझे चुनाव जीतना है तो 100% में से मतलब 50% लोग वोट करते हैं, उसमें से भी अगर मुझे 20-22% वोट मिल गए तो भी मैं विजेता हो जाता हूं और शासन चलाता हूं। क्या आवश्यक नहीं है कि 50% अधिक से अधिक लोगों के मत का उसमें हिस्सेदारी हो? तो भारत जैसे लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें मतदान को सुनिश्चित करना होगा, मतदाताओं को जिम्मेवारियों के साथ जोड़ना होगा और तब जाकर के देश के राजनीतिक दलों को भी एक ही तबकों को जो एड्रेस करने की आदत हो गई है, एक ही इलाके को एड्रेस करने की आदत हो गई है, उनको सभी मतदाताओं को एड्रेस करना पड़ेगा, सब इलाकों को समानता रूप से देखना होगा। और तीसरी बात है, आमतौर पर देश में कई वर्षों से एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, सभी राजनीतिक दल टुकड़ों में सोच करके फायदा उठाने पर जा रहे हैं। गुजरात है जो टुकड़ों की राजनीति छोड़ करके समग्र की राजनीति के पक्षकार के रूप में आज एक टॉर्च बेरियर के रूप में काम कर रही है। इसलिए हम सबके लिए मतदान की जिम्मेवारी जोड़ने का बिल लेकर के आए हैं।
और इसमें एक और ब्यूटी है जिसको राजनीतिक दल पसंद नहीं है, जिनको उम्मीदवार पसंद नहीं है, वो रिजेक्शन का भी वोट दे सकता है। उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि जो खड़े हो उसमें किसी को उसको वोट देना पड़ेगा, वो एक और बटन दबाएगा और कहेगा कि कोई मुझे मंजूर नहीं है, मैं इस सबके खिलाफ अपना वोट देता हूं। मैं समझता हूं आज हिंदुस्तान के मतदाता को अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए कहीं जगह नहीं है। आज हिंदुस्तान के मतदाता को व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता है। कंपलसरी वोटिंग के कारण हिंदुस्तान के मतदाता को अपना विरोध जताने का अवसर मिलता है, अपना रोष प्रकट करने का अवसर मिलता है, और भारत के अंदर पहली बार मतदाता को अपनी नाराजगी जताने के लिए हम मौका दे रहे हैं। अब तक पसंदगी जताने का अवसर मिला था, अब नाराजगी जताने का अवसर मिल रहा है। एक नया विचार, एक नया इनिशिएटिव विधानसभा में देखा गया कि कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, संविधान के खिलाफ भी बता रही है, इस मुद्दे को आप किस तरह टैकल कर रहे हैं? मैं कांग्रेस के मित्रों को प्रार्थना करता हूं कि आज आप भले विरोध करते होंगे, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको भी इसी बात को लेकर के चलना पड़ेगा। कल हमने जहरीली शराब के खिलाफ फांसी की सजा वाला बिल पारित किया, गुजरात के हमारे कांग्रेस के मित्रों ने विरोध किया, लेकिन मजा यह है कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने वैसे का वैसा बिल लाई है। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं, दुनिया के सभी समृद्ध देश, लोकतंत्र देश, उन्होंने भी कंपलसरी वोटिंग किया है। अरे बाकी उनको समझ आए ना आए, कम से कम ये तो सोचो, इटली में भी कंपलसरी वोटिंग है, इटली में भी कंपलसरी वोटिंग है। मैं मानता हूं कांग्रेस के मित्र जरूर समझेंगे और सही दिशा में सोचेंगे। नरेंद्र भाई, आप गुजरात में अपने शासन के 3000 दिन पूरे करने जा रहे हैं, इसी वक्त ये नया विचार, एक नया इनिशिएटिव के साथ आप आगे आ रहे हैं, तो गुजरात के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी इस तरह के कोई विचार के साथ आगे बढ़ने का कोई आयोजन है आपका या बीजेपी पार्टी का? जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव सुधारों के लिए लीड लिया है। हर बार पार्लियामेंट में जब डिबेट हुआ, और बड़ी विस्तार से डिबेट भूतकाल में हुई है कंपलसरी वोटिंग की, और जनसंघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसके पक्ष में बहुत वायुमंडल बनाने का प्रयास किया है, तो हम लगातार स्पष्ट कह रहे हैं आगे भी भारत सरकार को भी इस दिशा में जाना ही पड़ेगा, ये मेरा मत है। धन्यवाद।